तुर्की में बागी फौजियों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कब्जा करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की तो सोशल मीडिया की ताकत काम आई। तुर्की के सदर ने फेस टाइम का इस्तेमाल करते हुए आवाम को सड़कों पर आने की हदायत की, जिसके बाद लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और फौजी बगावत का रास्ता रोक दिया। गुज़िश्ता रात बागी फौजियों की जानिब से सरकारी टीवी चैनल, रेडियो और निजी टीवी चैनल्स के दफातर को बंद करके नशियात मुअत्तल कर दी गईं। सरकारी टीवी चैनल्स की जानिब से ये बयान जारी किया गया कि तुर्की भर में मार्शल लॉ और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। तुर्की के तमाम हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। नए आइन की तैयारी जारी है। दूसरी जानिब तुर्की के सदर ने फेस टाइम का इस्तेमाल करते हुए आवाम को ये पैगाम दिया, वो अब भी मुल्क के सदर और कमांडर इन चीफ हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ये पैगाम भी दिया कि बगावत की कोशिश करने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। फेस टाइम के ज़रिए इस पैगाम को मुल्क भर के लोगों ने सुना और बगावत को नाकाम बनाने के लिए आवाम सड़कों पर आ गई।